वेलकम प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 19 क्लास 8 के लिए है, इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है बच्चे, 1 दिसंबर की वर्कशीट है आपकी। एस्टिमेशन ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का हमें एस्टिमेट करना है, अनुमान लगाना है, यानी बिना सवाल के हमें स्क्वायर रूट का पता लगाना है। तो दो बच्चे हैं, प्रिया एंड रिया। लुक, प्रिया कहती है रिया को, लुक एट दिस फिगर, इस फिगर को देखिए। दिख रही है आपको? तो व्हाट इज द शेप ऑफ द फिगर? तो रिया कहती है इट्स लुक लाइक अ स्क्वायर, स्क्वायर की तरह लग रहा है, बट हमें इसके लेंथ और ब्रेथ को नापना पड़ेगा। अगर इक्वल होंगे तभी तो स्क्वायर होगा ना। प्रिया कहती है कैन यू टेल लेंथ एंड ब्रेथ? क्या बता सकते हो इसके लेंथ और ब्रेथ क्या होगी बिना मेजर के? रिया कहती है नहीं। प्रिया कहती है अगर इसका एरिया हमें पता चल जाए, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर है एरिया, तो अब पता लगा सकते हो इसका साइड। तो साइड मतलब तो ये होगा ना स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकाल लें एस्टिमेट करके तो आराम से हो सकता है। तो चलिए इसी बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चे आप लोग जो है 1 से लेकर 25 तक तो स्क्वायर्स जरूर याद कीजिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। इसी तरह से देखिए 6 स्क्वायर 24 स्क्वायर 25 स्क्वायर आप लोग कर लेंगे। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, याद रखने का इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये सवालों को आपको बड़े आराम से सॉल्व करवा सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 225 है, उसका एरिया निकालना है, यानी साइड स्क्वायर होता है एरिया स्क्वायर, तो ये होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट बन जाएगा। तो रूट 225 हमें निकालना है, तो एस्टिमेट करना है ना। चलिए पता लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट देख रहे हैं 5 है, यूनिट प्लेस डिजिट 5 है, सो 5 इज आल्सो यूनिट प्लेस। जब इसका स्क्वायर रूट होगा तो उसका यूनिट प्लेस पे भी 5 आएगा। अब हमें 225 देखना है कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम ये जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, 10 का स्क्वायर तो 100 ही होता है ना, और 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 400। तो ये नंबर आप देखो 225 100 और 400 के बीच में आ रहा है, यानी 10 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 10 और 20 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए? यही तो था ना, इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, यानी अगर कोई स्क्वायर रूट भी आएगा तो उसका यूनिट डिजिट भी 5 ही आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि 10 और 20 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, वो है 15। तो मींस कि 225 का स्क्वायर रूट होगा 15। क्या होगा? 15। ये तो बड़े आराम से निकल गया। चलो हम कोई और नंबर लेके देखते हैं। तो हमने नंबर लिया है 228। तो इसी सवाल की तरह हम लोग इसको करेंगे। 228 हम देख रहे हैं, ये जो है 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में, यानी 225 और 256 के बीच में है ना। तो यानी इस तरह से है 225 और 228, 256 इनके बीच में ही तो है। ये है 15 स्क्वायर और ये है 16 स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि जो 228 है किसके ज्यादा क्लोज है। तो हम देख रहे हैं कि ये 225 के ज्यादा क्लोज है, यानी कि 15 के स्क्वायर के ज्यादा क्लोज है। तो मींस इसका एस्टिमेशन क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट अप्रोक्स, ये एस्टिमेशन का सिंबल है, अप्रोक्स 15 होगा। जिसके पास होगा ना वही इसका आंसर होगा। चलिए बच्चों अब अगर समझ में आ गया होगा आपको तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 80 है, नंबर है 80 जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये देखिए कि 80 किसके बीच में आता है। 80 जो है, 80 lies between 8 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर है ना। और 8 स्क्वायर देखें तो 64 होता है दैट इज, और 9 स्क्वायर 81 होता है, और 80 इनके बीच में आता है कहीं। दूसरी बात, ये किसके ज्यादा नजदीक है, नियर किसके हैं 81 के। तो देखिए हमने यही तो पढ़ा था ना कि जिसके नियर होगा तो हमें वो देखना है किसके ज्यादा नियरर है। तो हम देख रहे हैं कि ये इसके ज्यादा नियरर है, सिर्फ एक ही कम तो है। तो 80 इज
नियरर 281, ठीक है, और 81 विच इज स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया कि 81 का जो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट आएगा वो 9 आएगा, ठीक है, 81 वाला आएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर दो करते हैं। 356 है हमारे पास। अब ये बताइए कि किसके बीच में आता है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये किसके बीच में आता है, तो हम ये देख रहे हैं जो 356 है लाइज बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर। 18 स्क्वायर का मतलब क्या है, 18 स्क्वायर मतलब कि 356 किसके बीच में है, 18 स्क्वायर यानी कि 324, आप ये देखिए 18 और 19 का स्क्वायर क्या है, हम ये देख रहे हैं 18 और 19 का स्क्वायर ये रहे हैं। 324 और 361 के बीच में आ रहा है ये 356 इनके बीच में आ रहा है, 18 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर होता 361। अब किसके ज्यादा पास है, तो सिर्फ सीधी सी बात है, डिफरेंस देख लो किसके ज्यादा पास है ये, 56 तो 61 के ज्यादा पास है ना, इससे तो बहुत दूर है ये, अगर देखे तो इन दोनों का गैप कितना है, 56 और 5, 5 का ही तो गैप है ना, और इनका गैप ज्यादा है, तो हम लिखेंगे 356 इज नियर, ऐसा लिखने का तरीका है, टू 361, तो देयरफोर जो इसका स्क्वायर रूट होगा 56 का अप्रोक्स जो होगा वो 361 का स्क्वायर रूट का होगा, यानी 361 का स्क्वायर रूट होता है 19। बस आ गया आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट है देखिए, पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन हो गए। तीसरा है 509 किसके बीच में आता है, चलिए हम करके देखते हैं। तो हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना है बेटा, 509 का। अच्छा इधर फोर्थ पार्ट आएगा वो भी हम लिख लेते हैं साथ में, 509 के बाद 628, तो इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है और इसका भी। 509 किसके स्क्वायर रूट के किसके स्क्वायर के बीच में आता है, अगर हम देखें तो 509 लाइज बिटवीन 484, 22 का स्क्वायर है ना ये, एंड 529 है ना, और जो 484 है वो 22 का स्क्वायर है, एंड 529 है वो 23 का स्क्वायर है। आप ऐसे लिखिए, चाहे आप इस तरह से लिख लीजिए, क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं ना, तो एक ही मतलब हो गया कि 484 का स्क्वायर रूट 22 होगा और इसका स्क्वायर रूट 23 होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो 484 के बीच में आता है 509, 529। अब डिफरेंस कितना है हम देखें तो, बताइए कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस निकालिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम देख रहे हैं 5 और 25 आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस हम देखते हैं तो 20 ही आ रहा है, तो इसके ज्यादा नजदीक है, 509 इज नियर टू 529, तो देयरफोर इसका जो स्क्वायर रूट है 509 का वो अप्रोक्सीमेट होगा 529 के स्क्वायर रूट के, और 529 का स्क्वायर रूट क्या है बेटा, 23। क्लियर हो गया, तो इस तरह से हमारा ये आंसर भी आ गया। बिल्कुल ऐसे इसको भी करना है, 628 हम लिखेंगे लाइज बिटवीन किसके बीच में आता है, 625 ना 25 के स्क्वायर के बीच में आता है और फिर 26 के स्क्वायर के बीच में आता होगा, तो यानी 625, 628 एंड 676 ये इनके बीच में आ रहा है। अब इनके बीच में आ रहा है तो क्लियर हो गया कि ये इसके ज्यादा नजदीक है ना, तो 628 इज नियरर टू 625, तो इसके अप्रोक्स स्क्वायर रूट कितना आएगा,
एस्टीमेशन वही है, 625 किसका स्क्वायर रूट है बताइए, 25 का। तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। प्रॉपर पूरा आपको लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, प्रॉपर तरीका है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा 403 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ऐसे एस्टिमेशन निकाल के बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्दी ही। सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।